सुबह सुबह एप्पल सीडिगर का अगर मैंने शॉट डाला तो इसका मतलब ये नहीं है मैं सुबह को 8 बजे कि मैं सुबह जल्दी उठाऊ। अभी बज रहे 2 और आज मैं लेट उठाऊ कि कल रात को मैं लायन किंग देख रहा था, बस मूड कर गया इसके लिए, मजा आ गया। तो ये अभी आता हूँ थोड़ा सा रेडी वेडी होके आया फटाक से। And what's up guys, welcome back to my channel, obviously on YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया। और आज है day 3 डेली व्लॉगिंग का। मैं कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा मैं कर पाऊंगा। आज शूट करके एडिट करके दूसरे दिन डाल लेने का मतलब ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। मैं यूजुअली व्लॉग्स को एक दिन तो लेता हूँ एडिट करने के लिए, क्योंकि मेरा स्पीड स्लो है, मैं मतलब अभी सीख रहा हूँ एडिट करने के लिए। इसके लिए तो मतलब ऐसा है, फन तो है। आज का दिन थोड़ा सा आलस भरा था, पूरा दिन सोए पड़े रहे। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 5 बज गए, तो अभी सोच रहा हूँ कि मतलब क्या करूँ। सोचा कि चलो YouTube पे देख लेता हूँ कुछ अच्छी चीज़ देखने मिल जाती है क्या। और मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा DMs आ रहे हैं ऐसा कि मतलब डेली व्लॉगिंग आपका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। क्या हुआ? एक ही छोटा सा, मस्त है, खा सकते हो तुम लोग भी। मैं ऑफ शुगर हूँ बट तुम लोग खाए ना तो खा सकते हैं, मेरे को मत पूछो। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने रिएक्शन वीडियो किया था, तो लोग बोल रहे कि मेरे को मतलब रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। तो वही अपन यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते। होपफुली मैं जो भी चीज़ चालू करूँ वो मेरे को अच्छी मिलेगी, देखते हैं। स्पीकर पे लगा दूँ क्या? ये है अपना स्पीकर, JBL का स्पीकर्स था वो। मैं जब श्रीलंका गया था तो मैं घुमा दिया था वो। प्रतीक जो मेरा क्रूमेट है उसको मेरे ऊपर दया आया तो उसने मुझे ये दे दिया। ऐसा मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना ये चीज को, बहुत जोर से बचता है। आई विल शो यू गाइस, वेट। सुनेगा क्या आवाज इसका, सुनेगा क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, few hours later, मेरा तुमसे ये कहना है 101 days later। जो भी चीज है अच्छी चीज कर रहे हैं। ये कि इंडिया बहुत ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक साथ है, मुझे डिस्टेंसिंग की जरूरत है। ये सुन लो तुम लोग, मजा आ जाएगा। उसको वो करने के लिए उसको जेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका आवाज ऐसा ऐ खुदा, ऐसे ऐसे नीचे है। तुम्हारा कितना अच्छा है, मेरा नहीं। क्यों खत्म हुआ ना ऐसा आधे इस पे? वैसे ये टेस्ट रन था बट अभी अपन एक्चुअल में ढूंढते हैं क्या चीज है। गुड ग्रामर एंड स्पेलिंग आर इंपॉर्टेंट एंड ईमेल्स
स्किप वाला एड भी पूरा देखो दोस्तों, सब कमाने चाहिए घर बैठे बैठे, मेरे हिसाब से पूरा देखो। They get the job done. You need to think about more than just grammar and spelling. Groove करो guys. This sentence is grammatically to read. It unfits in the word tweeter. Just 25 seconds more guys. Much better. What an airport. Wow, what a seminar hall. Wow, what stairs. Visit grammarly.com today. Grammarly. My grammar very weak, but I will still watch it. Download guys. Comfy good. Comfy good. Привіт, Україна! Мене звати Хайтам, я Султанат Оман, 25 років. Голос країни – це моя велика мрія. На моїй батьківщині немає такої масштабної сцени, де можна було б показати. मतलब हर जगह पे रहता है ना, हर रियलिटी शो में रहता है ना, ये पूरा बैकग्राउंड स्टोरी। हां मतलब ऑडिशन भी नहीं आया, तुम उसके घर पे कैसे पहुंचे? पहले से थे? हां तुम्हें पता था, कहीं रास्ते पे चलते हुए तुम्हें दिख गया था कि ये ऑडिशन देगा आज से किसी दिन पहले, आगे जाके अभी से शूट करो। Дух освіту. Але от український голос вразив мене найбільше. Я вірю, що саме в Україні знайду свого слухача. І зараз зроблю все для... А чого воно? Дивіться, аби не. Пайле, дивіться. Пайле, але дивіться. Ой, я вважаю. Та вон він стоїть, я його бачу. Ти його бачиш? Habibi, ये नूर लाए, ये नहीं नहीं इतना टाइम अगर मैं होता ना स्टेज पे, अगर वो वैसे ही पकड़ के रखता तो मैं हबीबी ये दबाना रे, हबीबी ये दबाना, हबीबी हबीबी मस्त मगर है ये। अब तेरे को इतना नाचने का तो घूम क्यों नहीं रही, वो नाच रहा है, दब पकड़ के नाच रहा है लड़के पागल। हमारा बाल पली का मिल गया, हमारा बाल पली का मिल गया। नहीं 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 इंग्लिश में बात कर रहा है उसके ऊपर पर से नीचे गिर रहे जरूरी नहीं है ना, इंग्लिश सुनने का ना, मैं भी तो सुन रहा हूँ क्या हो गया। अटल भी है गाइस, यू नो व्हाट टू डू व्हेन द एड इज गोइंग ऑन। कॉम्पिटिशन जीतने के लिए सब के नैना एक ही नैना तुमने वो नहीं देखा उसका स्वैग स्वैग मिट्टी में मिला दूंगा तबाह कर दूंगा, ये फूल आए हे तबाह कर दूंगा मिट्टी में मिला दूंगा। उसका आग देखा तुमने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल में उसने मुंह देखा है या क्या देखा है, इतना बड़ा आग क्यों हुआ, किस चीज के लिए? वो देखो देखो अभी तुम अच्छा है इसका, बट वो पीछे लड़का वो ये है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। अच्छा 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 उसका मुंह वो अभी से ही देख रहे हैं। भाई 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 थोड़ा आराम से, भाई आग उसके आग पे डर दिख रहा उसने सिर्फ ये बोला चल ठीक है गुड में ही स्पीकर मेरे डाल गया ठीक है मार नहीं पे
उसका मुंह ये इसका मुंह ये fucking hell कुर्ता पहन के मेरी पजामा फाड़ गया ये जीता उसके मुंह पे लिखा हुआ है लैंग्वेज समझे ना समझे अरे फिर तो आप कान के नीचे मारेगा उसको उसका हाथ देख तब तेरी माँ ये कैसे हाथ दिया अरे ये गाने में इतने लिरिक्स थे मुझे नहीं पता था हाँ इन द वर्ल्ड हाई अप डाउन इन द वर्ल्ड मिलेड है कुछ भी इंग्लिश बच्चा तो अपने आप से कुछ भी लिरिक्स डाल के गाएगा शायद से उसकी तरह दिख रहा है ना इसके लिए घूमा वो गलत बात है कोई इसको समझाओ कि इंडिया में हर बंदा सोलफुल नहीं है मतलब आंखें बंद करने से टैलेंट बाहर नहीं आएगा अरे इनके शो के बच्चे बहुत बुरे गाते हैं है ना मतलब सोचो इंडियन बच्चा भी इनके शो में आके इतना बुरा गा रहा है जैसे तुम अपने सारे गांवों में ले लो इंडियन शोज में बच्चे कितना ज्यादा अच्छे गाते हैं ये देखो मतलब मेरा बच्चा अगर स्टेज पे ऐसा आया ना तो मैं ऐसा मुंह छुपाऊंगा क्या कर रहा है तू उतर नीचे ये वाला हो जाऊंगा मैं हां चलेगा अभी क्या कर सकते पेरेंट्स होते हैं सपोर्टिव बट पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मतलब मेरे बच्चे में नहीं है ये चीज तो खुद से रोक देना चाहिए मतलब ऐसा बुरा मानने वाली बात मेरे डैडी को चाहिए था कि मैं क्रिकेटर बनूं या तो मैं पुलिस वाला बनूं मैंने मैंने रुक जा दो मिनट मैं तुमको बता देता हूं तू अभी बोला ना जे मेरे मम्मी को चाहिए था मैं डांसर बनूं नहीं गलत मैं नहीं चाहता था तू डांसर बन क्या क्रिकेटर बन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था मैं ये सोचती थी रिया जो मेरे बच्चे में जो टैलेंट है मेरे बच्चे उसमें जाए चाहे वो डांस में है सिंगिंग में है क्रिकेट में जिसमें टैलेंट है वो जाए जरूरी नहीं है तू डांसर बन मतलब जो जबरदस्ती हो जाते ना वो नहीं सुन लिया ना तुम्हारा बच्चा तुमको देखना है तुमको कैसा संभालने का तो वो तुम लोग देख लो है ना आज के लिए अपन इतना ही व्लॉग को रखते हैं तो ऐसा कोई मेरा हार्ड फीलिंग नहीं है किसी के लिए रिएक्शन वीडियो जो होता है वो मतलब मैं हमेशा शुगर कोटिंग नहीं कर सकता जो मेरे दिल में आएगा मैं वैसा रिएक्ट करूंगा दैट्स फॉर चीज का ही तारीफ करूं तो मतलब उसको चाटना बोलते हैं पसंद आया इधर तक देख लिया है ना तो मैक्सिमम बोल रहा हूं लाइक मार के जाओ बहुत मजा आएगा ऐसा दिल को ठंडक मिलेगा तो शेयर करो सब्सक्राइब करो अपन मिलते ऑलराइट टेक केयर पीस इतना हीरो नहीं बनना चाहिए।